नमस्कार बच्चों, क्लास सिक्स्थ का हम वर्कशीट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसमें वर्कशीट नंबर 9 में रोमन अक्षर के बारे में चर्चा की गई। आप रोमन अक्षर जो है, रोमन अक्षर से आप पहली भांति परिचित होंगे। रोमन अक्षर आप क्लास कौन सी क्लास में है, ये ऐसे ये क्या है, ये आप अपनी जैसे हम लिखते एक दो तीन, ये जो है इसका, इसको कहते हैं हिंदू अरबिक सभ्यता, हिंदू अरबिक अंक। ये हमारे जो हमारे पूर्वजों जो ने जो हिंदुस्तान, यहाँ हिंदू का मतलब हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान वासियों को हम देखते थे, जो कि हमारे पूर्वज थे। आपने रामायण महाभारत उस समय में देखा होगा, जो कि सब लोग जो क्लास करने जाते थे, एक स्कूल होता था, स्कूल में ही वहीं पे बच्चे लोग रहते थे, वहीं पे पढ़ते थे। इसको कहते थे गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में वहीं पे लोग पढ़ते थे और सब कुछ करते थे, रहते थे, और एक गुरुजी होते थे, उनको सब कुछ पढ़ाते थे। लिखने वाला सिस्टम उस टाइम में नहीं था, याद करने वाला सिस्टम था, और जो गुरुजी होते थे वो भी उनको याद करवाते थे, कंठस्थ करवाते थे, और लिखने की कल्चर हमारे पास नहीं थी। तो और जब एक गुरुजी जब उनका अंत समय आता था, तो अपने जो सबसे प्रिय विद्यार्थी होता था उसको अपना ज्ञान दे देते थे, फिर इस तरह से वो परंपरा चालू रहता था। अब जब हमारे यहाँ जो मुग़ल लोग आक्रमण किए, तो वो अपने साथ आक्रमण के साथ साथ हमारा जो देश था उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब हमारे देश पे जो दूसरे लोगों की भी नज़र थी, अब जब हमारे यहाँ लोग आए, जब आप हमारे यहाँ जो अरबी लोग आए, तो अपने साथ वो कुछ विद्वान को भी ले आए, लिखने पढ़ने वाले को भी ले आए। तो हमारे यहाँ गुरुकुल में जाते थे, और गुरुकुल में पीछे बैठ करके और वो लिखते जाते थे, और बाद में यही किताब छप करके तैयार हुआ। तो जब छप कर तैयार हुआ, तो इन लोगों ने कहा, चूँकि हमारा ही लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसका आविष्कार किया। लेकिन फिर जब हमारे लोगों ने जब इसको देखा, तब कहा कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ पहले से चलता आ रहा है। तब जा कर के इसका नाम हिंदू अरबिक सभ्यता अंक दिया गया, यानी हिंदुओं के द्वारा तो लिखा गया, लेकिन हिंदुओं का भी इसमें योगदान है, हिंदुस्तान का भी योगदान है, क्योंकि इन्होंने इसका ईजाद किया। और अरबी लोग का इसलिए है, क्योंकि अरबी लोग इसको पूरी दुनिया के सामने रखा, तो इसको कहते हैं हिंदू अरबिक सभ्यता अंक। तो ये हिंदू अरबिक अंक। और उसी समय रोमन अक्षर जिसमें हम अंग्रेजी जैसे लिखते हैं ना, अंग्रेजी का जो लिपि है ABCD है, वो रोम का है, रोमन लिपि है। तो उसमें एक दो तीन चार लिखने के तरीके अलग हैं। ये एक दो तीन चार आप इस तरह से एक दो इस तरह से लिखते हैं, तो उसको कहते हैं हम रोमन अक्षर। आप इस तरह की घड़ी भी देखे होंगे, जिसमें इस तरह एक्स मतलब 10 होता है, तो ये रोमन अक्षर होता है। मैंने दादी की घड़ी घर में रोमन अक्षर वाले देखे हैं, हमारे स्कूल में रोमन लिखी भी लिखी जाती है। अब ये बच्चों से बातचीत है, अब देखते हैं जो कि इसमें गिनती कैसे होती है। ये है गिनती, इसकी जो गिनती है इस तरह से होता है, इस तरह से गिनती है, जिसमें एक दो, ये है एक, ये पेन डाउन करते जाइएगा, लिखते जाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, और बीस के अलावा 21 जब लिखेंगे XXI इस तरह से लिखेंगे, और 30 लिखेंगे XXX। अब
इसी तरह से बढ़ता जाता है। एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000। ठीक है बच्चों, तो ये इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश तो कीजिएगा 100 तक लिखने की। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो इसके कुछ नियम हैं, ये नियम क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। रोमन अक्षर के नियम हैं, जितनी बार हम उस प्रतीक को दोहराते हैं उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है, यानी दो बार x लिखा है तो x का मतलब 10 होता है, तो जितनी बार लिखेंगे वो, दो बार x लिखा हुआ है तो 10 प्लस 10 20, तीन बार लिखेंगे तो 10 10 10, तो 10 10 20 10 30 30 हो गया। तो जितनी बार लिख रहे हैं उतनी बार हम जोड़ रहे हैं। हम अधिकतम किसी चीज़ को कितनी बार लिख सकते हैं? अधिकतम हम किसी चीज़ को तीन बार लिख सकते हैं। और किस चीज़ को तीन बार लिख सकते हैं? जिसके पीछे एक लिखा हो, एक को तीन बार लिख सकते हैं, 10 को तीन बार लिख सकते हैं, 100 को तीन बार लिख सकते हैं और 1000 को तीन बार लिख सकते हैं। ठीक है, और किसको नहीं लिख सकते? पाँच को, पाँच का भी अलग है चिन्ह, तो पाँच को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। पाँच यानी पाँच वाला, पाँच, 50 और 500, इसको हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो यानी वी मतलब 50, पाँच, एल मतलब 50, डी मतलब 500, इसको दोहरा नहीं सकते। ये वाला 1, 100 और 1, 10, 100 और 1000, इसको दोहरा सकते। यदि हम किसी चीज़ के बाईं ओर लिखते हैं, किसी चीज़ के यदि हम बाईं ओर लिखते हैं तो क्या होता है? बाईं ओर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है घट, देखिए ये इधर है और ये इधर, किस दाईं ओर लिखते हैं तो ये बायां हुआ लेफ्ट और ये राइट, इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट। यदि ये लिखते हैं तो इसमें ये प्लस हो जाता है, ये 5 + 1 = 6 हो गया। ठीक है, और यदि दाईं ओर बाईं ओर लिखते हैं, ये दाईं ओर लिखने पे, उससे छोटी संख्या बाईं ओर लिखने पे दाईं ओर कम मूल्य वाले अंक लिखने पर इसको जोड़ा जाता है, और बाईं ओर लिखते हैं तो क्या होता है? जैसे ये है तो बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, तो ये इसका मतलब 5 है और 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो हो गया 4। ठीक है, ये 4 लिखेंगे और ये दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, ये इसको जमा घटा नहीं किया जा सकता, ये इसके कुछ नियम हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर, जो सवाल है आपको जो करने के लिए दिया गया है, देखिए यहाँ पे कुछ करके दिखाया गया है, ये इसका मतलब है 10 और 2 = 12, ये 12 मतलब 10 और + 2 = 12, तो 10 का चिन्ह तो अलग है और 2 का चिन्ह अलग है 12। 98, पहले 90 लिखेंगे तो 90 तो हमारे पास है नहीं, पहले 100 लिखे, 100 का चिन्ह क्या है? सी, उससे पीछे लिख दिए तो ये हो गया 90 और उसमें 8, 8 का चिन्ह क्या है? +5 और 3 बार ये, तो ये हो गया, ये सारे इकट्ठे लिख दिए प्लस का चिन्ह। इसी तरह 50, ये इसका मतलब क्या है? L का मतलब 50 है, 50 से पीछे बाईं ओर है तो छोटी संख्या है तो घट जाएगा, तो 50 में से 10 गया तो 40। ठीक है, अब ये नहीं है जो कि 49 यदि लिखना है तो ये नहीं जो कि 50 है तो 50 से 1 कम कर देंगे, ये भी नहीं, उससे 1 0 कम वाला लगाएंगे, ये नहीं है जो कि आप जो उसके आगे लगाएंगे 49 लिखना है तो 40 + 9 लिखना होगा, तो 40 के लिए अलग है ये वाला 40 और फिर 9 के लिए अलग है। इसी तरह 99 में कोई बच्चा ये लिख दे तो ये गलत है, इससे 1/10 कम, यानी यदि 100 है तो 100 से 1/10 कम, यानी 10 वाला अंक पीछे लगाना होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एल एक्स, एल एक्स का मतलब क्या है?
और एल का मतलब क्या, एल का मतलब 50 और 10 60 और 9 69 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको जो करने के लिए दिया गया उस पर बात करते हैं। ये 84 है, 84 है, 84 को करने के लिए हम यदि इसको करते हैं तो देखिए 50 प्लस 30 80 होगा, 80 प्लस 4 तो 80 का क्या है, 80 का है 50 प्लस 30 होगा, तीन बार ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं दहाई वाला, तो 50 का है L, L में तीन बार X और 4 का है ये हो गया 84। इसी तरह 175 का लिखना है, 175 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 100 और 75, 100 के लिए तो हमारे पास किसको कहते हैं 100, तो 100 है जिसका वैल्यू C, और 70 तो L में दो बार X जोड़ दिए और 5 ये, ठीक है, और 105 लिखेंगे तो 105 लिखने के लिए 100 और 5 तो 100 का मतलब है C और 5, ठीक है, और 509 लिखना है तो 500 किसका है, किसे कहते हैं, D को कहते हैं 500, और 9 का चिन्ह है ये, हो गया 509। अब इसी तरह इसका मतलब है L मतलब 50 और 50 पे 30 80, और इसका मतलब है, इसका मतलब है सी और एक्स, एक्स का मतलब, सी का मतलब है 50, सी का मतलब है 100, 100 में से 10 गया तो 90। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, एल एक्स सी नहीं होना चाहिए, L मतलब होता है, मतलब बड़ी संख्या दो दो पीछे है, तो L मतलब होता है 50 और C मतलब होता है 100, ये होता या तो X C यदि हम देते तो इसका मतलब हो गया 90 और उसके पीछे 50, तो ये गलत है, ये होता 140 यदि लिखना है तो CXL, तो इसका मतलब हुआ 40 और इसका मतलब हुआ 100, तो 140 100 और 40, और इसी तरह ये हो गया XC, सी से एक कम, यानी सी मतलब होता है 100, 100 से एक कम, 100 से 10 कम, तो 100 से 10 कम 90 और 90 पे 2 92, 90 प्लस 2 92। ठीक है बच्चों, अब ये करके भेजिए, धन्यवाद।